हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो एंड माय नेम इज तुषार। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद व्लॉग फाइनली शूट हो रहा और चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो इसका रीज़न ये है, जो मेरा बड़ा भाई है उसका शादी फिक्स हो गया, शहीद होने वाला बेचारा। तो अभी था उसका इंगेजमेंट फंक्शन, तो उस फंक्शन के लिए मुझे आना पड़ा था पटना। दो हफ्ते से पूरे पटने में था और इंगेजमेंट फंक्शन का तैयारी ये सब चल रहा था, तो इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया और ना कुछ अपलोड कर पाया चैनल पर। और इससे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि भैया, जो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ काम हो रहा है तो आप पहले से अपना काम, अपना वीडियो शूट करके उसको शेड्यूल कर दो यूट्यूब पे, ताकि कंसिस्टेंसी ना टूटे। तो फिर आज का जो व्लॉग है वो है एक बहुत ही स्पेशल आइलैंड के लिए, जो पूरे बिहार में फर्स्ट टाइम खुला है, और उस आइलैंड का नाम है द एस्केपेड आइलैंड। इसका मीनिंग ही बहुत ही अच्छा है, डूइंग समथिंग एडवेंचरस इन अ डिफ़िकल्ट वे। इस आइलैंड में ना आपको बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा। ये एक प्रॉपर आइलैंड नहीं है, इसका नाम दिया गया आइलैंड। आपको बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पूरे पटना बिहार में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको। तो फिर स्टे ट्यून्ड, आई विल शो यू। अगर आपको इस आइलैंड पर आना है तो फिर आपको जेपी सेतु पुल है उसको क्रॉस करके नेविगेशन ऑन करके आ जाना। सिर्फ आइलैंड के अंदर ही एडवेंचर नहीं है, जब आप आइलैंड के लिए आओगे तब भी बहुत एडवेंचर है, क्योंकि ऑफ रोडिंग ये सब होता है। और ये आइलैंड ना पूरा खेतों के बीच में, ये देखो, पूरा खेतों के बीच में है ये आइलैंड। और जो आइलैंड है वो ठीक मेरे पीछे है, और वो रहा आइलैंड और वो रहा पूल। आपको यहाँ से आना है घूमते घूमते घूमते, ऑफ रोडिंग करते करते वहाँ पहुँचना है। तो बस अभी वहाँ पहुँचते, देखते और आपको भी दिखाते। तो फिर पैकेज ले लिया 1500 का, आपको सब कुछ इंक्लूड है इसमें, गो कार्टिंग, बोटिंग, ये रहा 1500 वाला पैकेज, इसमें आपको सब इंक्लूड है। हॉट एयर बलून की जगह आप पैरामोटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और फिर बस अब शुरू करते हैं। और ये राहुल वन भैया है, ये हमें थ्रू आउट गाइड करेंगे आज। तो अब अंदर चलते हैं। तो ये मिलेगा आपको 1500 का जो आप पैकेज लोगे। तो अभी पहले हम करने जा रहे हैं गो कार्टिंग, मज़ा आएगा, अकेले हैं लेकिन ठीक है, मज़ा आने वाला है। तो फिर अगर आप गो कार्टिंग करने आ रहे हो तो आपको यहाँ पे टोटल 5 लैप मिलेगा, और ये रहा इनका लैप। तो फिर ये था अपना गो कार्टिंग। और अब दूसरा क्या होगा राहुल भैया? जीप लाइन और जीप साइकिल, वहाँ चलते हैं। वी वॉल क्लाइंबिंग। मज़ा तो बहुत है लेकिन बीच स्टार्टिंग में जब डिसबैलेंस होता है ना तब फट गया था यार। और अब जिप साइकिलिंग, यहाँ से ऊपर जाना है। तो फिर बैठ गए जिप साइकिल पे और रेडी।
अलग एक्सपीरियंस है ये। हाइट से डर लगता है लेकिन मज़ा आ गया। अब जिप लाइन ना जिप लाइन। तो फिर राहुल भैया दोबारा जिप लाइन के लिए खुद बोल दिया बनता है इतना, और दोबारा जाएंगे, इस बार कैमरा लेके जाएंगे। भाई मज़ा आ गया, दो बार जिप लाइन हो गया। राहुल भैया ने खुद से बोल दिया था कि भाई और एक बार फिर से करना तो था ही, तो फिर दो बार हो गया, इस बार तो कैमरा के साथ। बहुत ही मज़ा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। तो फिर अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बोटिंग, इसके बाद वाटर रोलर भी है, नेट क्रिकेट भी है, और भी तीन चार चीज़ें और भी है, सब दिखाऊंगा। और ये रहा अपना बोट। बोटिंग करने का अलग ही मज़ा है, एक्सरसाइज भी हो जाता है और छोटा छोटा फन भी हो जाता है। तो फिर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और छोटा मोटा भूख लग रहा है या फिर प्यास लग रहा है तो उसका भी टेंशन नहीं लेना आपको, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा स्नैक्स सेंटर टाइप का कुछ बना हुआ है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक, पानी, छोटा मोटा स्नैक्स सब मिलते रहेगा और कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी अपन भी यहाँ से पानी लिया पिए, थोड़ा रिचार्ज होते हैं, फिर जाते हैं नेट क्रिकेट खेलने। अभी यहाँ पे लाइट कटा हुआ है तो लाइट थोड़ी देर में आएगा, तब तक हम लोग जा रहे हैं करने वाटर रोलर। ये है और ये भी अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, फर्स्ट टाइम, मज़ा आएगा बहुत। करते हैं भाई, ये भी बहुत मज़ेदार था पानी के अंदर, और ना घूमते रहो, जो करना करो, लेटो, पैर मारो, हाथ मारो, कुछ भी करो, बस घुमाते रहो इसको, मज़ेदार था ये भी। तो फिर लाइट आ गया, क्रिकेट खेलते हैं। सही था नेट क्रिकेट। तो फिर नेट क्रिकेट हो गया, वाटर रोलर हो गया, अब हॉर्स राइडिंग। तो फिर ये है चांदनी, यहाँ पे आगे ना बहुत चीज़ फर्स्ट टाइम हो रहा है, हॉर्स राइडिंग, नेट क्रिकेट, जिप लाइन, जिप साइकिल, मतलब यहाँ पे अभी तक जितना एक्टिविटीज़ किया हो ना लाइफ में, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। बढ़िया, मज़ा तो बहुत आ रहा है। अभी थोड़ा चीज़ और बाकी है, मेरे को लग रहा है पैरामोटर चीज़ कम्प्लीट करके निकलते हैं। फाइनली अपना राइड स्टार्ट हो गया। Celebrate.
तो फिर डन विद ऑल राइट. अब चल रहे हैं वापस. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. एक्सपीरियंस तो भाई बहुत ही अच्छा था. मतलब पटना में ये चीज़ होना, पूरे पटना या पूरे बिहार में ये चीज़ होना ना, बहुत बड़ी चीज़ है. सो थम्स अप टू द ओनर. थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस पटना में. क्योंकि बहुत लोग पटना बिहार से जो बाहर जाते हैं, जब मैं खुद फर्स्ट टाइम बाहर गया था तो फिर मेरे को बाहर अलग जगह एक्सपीरियंस लेना पड़ा. और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि इनका जो प्राइस है वो बहुत ही रिजनेबल है. मतलब 1500 में आप मान के चलो, मेरे को 1500 में मेरे को ऑलमोस्ट 10 राइड्स हो गए मेरे. तो फिर आप समझ लो 1500 में 10 राइड्स बहुत ही बड़ी चीज़ है. और ये बोल भी रहे कि अगले 2 महीने में इनका पूरा और भी एक्सटेंड होने वाला है, और भी बहुत कुछ आने वाला है. वाटर पार्क आने वाला है, और भी नए नए राइड्स आने वाले हैं. तो बहुत ही चीज़ नए नए चीज़ आने वाले, बहुत नए नए चीज़ आने वाले 2-2.5 महीने में. तो उस टाइम उन्होंने खुद फिर से बोला कि अगर उस टाइम ही टाइम मिले तो आने को, तो अपन ट्राई करेंगे. अगर उस टाइम पटना हुए तो फिर तो आएंगे, बनाएंगे ब्लॉग नया उस पर खुद से. बाकी अभी चलते हैं वापसी घर और ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न के लिए अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ऑल्सो कमेंट ऑन बिलो आपको कौन सा राइड ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर पैशन टू लिव लाइफ. चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.